नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 5G स्टडी थ्रू यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की वेशभूषा। राजस्थान की वेशभूषा के बारे में पढ़ेंगे हम आज। जैसे हम पहले पढ़ेंगे पुरुषों की वेशभूषा के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषों की वेशभूषा, पुरुषों की वेशभूषा में सर्वाधिक राजस्थान की वेशभूषा में सर्वाधिक सफेद, लाल, हरे, पीले, नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। नीले रंगों का प्रयोग। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पगड़ी के बारे में। पगड़ी सिर पर पहनी जाती है और पगड़ी का वास्तविक संरक्षण अकबर को माना जाता है। और पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। और देखते हैं इसके बारे में, पगड़ी बारे में आगे और देखते हैं। एक नंबर पर देंगे पगड़ी। पगड़ी सिर पर है। पगड़ी को मान सम्मान का प्रतीक मानते हैं। पगड़ी का वास्तविक संरक्षण अकबर है। इसका वास्तविक संरक्षण अकबर है। अब पढ़ेंगे पगड़ी के प्रकार। पगड़ी के प्रकार अलग अलग प्रकार की होती है। पगड़ी जैसे पगड़ी 9 प्रकार है। के प्रकार पागा, पेंचा, साफा, सापा, रुमाल, माल, फेंटा, सागा, गुमेलो, गुमेलो, अमलो, अमलो, सेलो। ये पगड़ी के प्रकार हैं। अब पगड़ी के सबसे सुंदर पगड़ी मेवाड़ की मानी जाती है। सबसे सुंदर पगड़ी मेवाड़ की मानी जाती है। और मारवाड़ का रुबेला सबलम रुबेला सापा मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। मेवाड़ की मेवाड़ की रंग बिरंगी बिरंगी वह परतदार
पगड़ी सबसे सुंदर पगड़ी है। और महाराणाओं को पगड़ी पहनाने वाले को छापदार कहा जाता है। महाराणाओं को पगड़ी, वाले को छापदार कहा जाता है। मारवाड़ का रोबिला साप्पा मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। आन बान शान का प्रतीक माना जाता है। प्रतीक बना अब हम पगड़ी के पढ़ते हैं आकार के आधार पर। पगड़ी प्रकार पढ़े हैं आकार के आधार पर। पगड़ी आकार के आधार पर पगड़ी तीन प्रकार की होती है जो अलग अलग क्षेत्रों में पहनी जाती है। आकार के आधार पर पगड़ी एक नंबर पर चपटी पगड़ी, पगड़ी उदयपुर में पहनी जाती है, उदयपुर या मेवाड़। चपटी पगड़ी उदयपुर में पहनी जाती है। खुंटेदार खुंटेदार पगड़ी, खुंटेदार पगड़ी जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की प्रसिद्ध है। तीन नंबर पर छज्जेदार वह खिड़की किदार पगड़ी। खिड़कीदार पर मारवाड़ उदयपुर की प्रसिद्ध है। मारवाड़ जोधपुर की प्रसिद्ध है। ये होगी आकार के आधार पर पगड़ी। अब पढ़ेंगे नाम के आधार पर पगड़ी कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, अलग अलग की प्रसिद्ध है। नाम के आधार पर पढ़ेंगे नाम के आधार पर। नाम के आधार पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की पगड़ी, मेवाड़ में अलग, मारवाड़ी में अलग, जोधपुर में अलग, जैसलमेर में अलग, अलग अलग प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है। पहले बात करते हैं मेवाड़ की। मेवाड़ में पगड़ी पहनी जाती है अमरसाही। अमरसाही उदयशाही स्वरूप
स्वरूप साई, अर्शी साई, ये चारों पगड़ी मेवाड़ उदयपुर में पहनी जाती है, मेवाड़ या उदयपुर में, मेवाड़ उदयपुर में पहनी जाती है। अब एक है गदसाई, गदसाई पगड़ी पहनी जाए मारवाड़ जोधपुर में, मारवाड़ जोधपुर। अक्षसाई पगड़ी, अक्षसाई अक्षसाई पगड़ी है जैसलमेर की, अक्षसाई जैसलमेर की है। जसवंत साई वो पगड़ी है, एक है जसवंत साई, जसवंत साई, जसवंत साई पगड़ी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की और तीन चार पगड़ी और है वो और फेंटते हैं। एक है राजशाही, राजशाही पगड़ी, ये जयपुर की। एक है राठौड़शाही, राठौड़शाही, राठौड़शाही पगड़ी, राठौड़ शाही पगड़ी है बंदनौर भीलवाड़ा, बंदनौर, बंदनौर भीलवाड़ा, वाड़ा की प्रसिद्ध है। एक है सावंत शाही, सावंत शाही, सावंत शाही पगड़ी है, सावन साई पगड़ी फरीदा सुलंबर उदयपुर, सुलंबर, सुलंबर उदयपुर में। ये होगी नाम के आधार पर। अब फटेंगे अवसर के आधार पर भी अलग अलग प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, जैसे विवाह के अवसर पर, लड़ाई युद्ध में जाते समय और शादी में, वैसे भी फटेंगे अवसर के आधार पर पगड़ी के प्रकार फटेंगे। अवसर के आधार पर पगड़ी, पहले बात करते हैं युद्ध व लड़ाई में जाते समय, युद्ध व लड़ाई के अवसर पर अवसर पर केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है। केसरिया मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है, केसरिया रंग, रंग की पगड़ी, केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है। शोक, शोक के अवसर पर सफेद पगड़ी, शोक के अवसर सफेद पगड़ी, या कोई खत्म हो जाए जब मर जाए भी पगड़ी, सफेद पगड़ी पहने। खुशी के
अवसर पर पिल्ली पगड़ी पहन जाती है। पिल्ली पगड़ी पहन जाती है। शादी के अवसर पर मोथड़े प्रकार की शुभ अवसर पर पंचधारी पगड़ी। होली के अवसर पर होली फूल पत्तियों की कढ़ाई वाली पगड़ी। और आगे देखते हैं। और श्रावण के महीने में लहरिए की पगड़ी। लहरिए की पगड़ी दशहरे के अवसर पर दशहरा के अवसर पर सलाम के सितारे के पत्तों से सलाम के सितारे के पत्तों की कढ़ाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है दोस्तों, आज हम पगड़ी के बारे में बात करी है और कल और आगे आगे की वेशभूषा के बारे में बात करते हैं। थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए।